मोदी सरकार का आम बजट सामने आ गया है। करीब 50 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में रेलवे और रेल मुसाफिरों को मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि रेलवे के लिए न कोई बड़ा ऐलान हुआ, न रेल यात्रा को सुरक्षित बनाए जाने की किसी परियोजना का जिक्र हुआ। विपक्ष ने अभी से बड़ा मुद्दा बना दिया है। रेलवे का तो ऐसा हो गया है, न इधर का न उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला उन लोगों अटेंड करने वाले उन लोगों और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो होन दो, ये जो आवश्यक चीजें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था वो भी इन्होंने ज्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया। मतलब साफ है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट पेश किया है, इस बजट में रेलवे के लिए कुछ खास ऐलान नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ट्रेनों की बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के बीच रेलवे के लिए सरकार से कुछ खास उम्मीद थी, लेकिन बजट से निराशा हुई है। ये बात काफी चौंकाने वाली है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए किसी भी नई योजना की कोई घोषणा नहीं की है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अंतरिम बजट में रेलवे बजट के लिए जो आवंटन किया गया था बिना किसी बदलाव के वही आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय रेलवे को केंद्रीय बजट 2023-24 में 2.40 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं अंतरिम बजट 2024-25 में 2.52 लाख करोड़ रुपए मिले थे। अंतरिम बजट में रेल सिक्योरिटी, नए कोच, ट्रेन और कॉरिडोर जैसी प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया था। इस बार के बजट में पूरी संभावना थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई अन्य सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की घोषणा की जाएगी। संभावना थी कि इसी कड़ी में दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, क्योंकि इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों में हमेशा वेटिंग रहती है और त्योहारी सीजन में वेटिंग मिलना तक बंद हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी सीधी घोषणा नहीं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया, इसमें रेल बजट भी शामिल है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था, वित्त वर्ष 2016-17 तक के केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। 2016 में रेल मंत्री रहे पीयूष गोयल ने आखिरी बार रेल बजट पेश किया था। पहली बार वित्तीय वर्ष 2017-18 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया था और पुरानी प्रथा को समाप्त किया था। पहले संसद में दो बजट पेश किए जाते थे, एक रेल बजट और दूसरा आम बजट। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी थी।